हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपना वीलॉग कंटिन्यू कर सकें। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि मैं आपको पार्क का पूरा विज़िट करवाऊँगी, तो आज मैं आपको इस पार्क का पूरा विज़िट करवाऊँगी। और जिन लोगों ने पिछला वीलॉग नहीं देखा वो जाकर मेरा पिछला वीलॉग देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिनी शॉप्स बनी हुई हैं 10 से 12 किस्म की। और यहाँ पे आपको फूड वैरायटी में मिल जाएगा, चिप्स, शॉर्मा, कॉफ़ी, ड्रिंक्स। तो इफ़ यू वांट टू टेक देन यू कैन टेक इट। और यहाँ पे जो लोग तो रियाज में रहते हैं उनको पता होता है कि पार्क्स में ये डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं साइड्स पे, तो यहाँ पे आपको स्टॉल्स की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ वैरायटी आपके लिए मैंने कैप्चर की है ताकि मैं आपको पार्क का पूरा विज़िट करवा सकूँ। और ये सामने आपको पार्क नज़र आ रहा है, मतलब ये सिटिंग के लिए ना ग्रीनरी सा इन्होंने एरिया बनाया हुआ है सेपरेट। ये डबल साइड पे है और मिड में इन्होंने बच्चों के राइड्स के लिए और वॉक वगैरह करने के लिए लैदर स्पेस बनाई है। ये देखें, असल में ये नेशनल लाइब्रेरी है जो कि जिसके बाद इन्होंने नेशनल लाइब्रेरी पार्क बनाया है। और ये देखें, आप डिफरेंट राइड्स देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपको 15 रियाल में 15 मिनट के लिए मिल जाएंगे। ये एक डिफरेंट और एक यूनिक राइड है जो कि मैंने पार्क के अलावा कहीं नहीं देखी। इस पार्क की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ राइड्स मिल जाती हैं और बच्चों के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है क्योंकि मोस्टली पार्क में ना ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। इस पार्क की स्पेशलिटी है कि आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, बच्चे जो हैं कोई भी राइड इजीली राइड कर सकते हैं। यहाँ पे कार्स और स्कूटीज, इवन कि फास्ट कार्स हैं इलेक्ट्रिक, ये भी आप यहाँ राइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बड़ों के लिए भी ना स्कूटीज मिल जाती हैं, वो भी 15 रियाल में 15 मिनट के लिए मिल जाती हैं। तो उस पर आप पूरे पार्क का विज़िट कर सकते हैं। बच्चे ये देखिए यहाँ बास्केटबॉल्स भी खेल रहे हैं, ये बॉयज़ वगैरह जो हैं, बहुत अच्छा बात है। ये था सारा पार्क जिसका मैंने आपको विज़िट करवा दिया है। अगर आप मज़ीद इस पार्क के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इजीली इसको देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह हाफिज़, गुड बाई।